गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भावना कटड़िया। लास्ट टू ईयर में आपने स्टैंडिंग लाइन पढ़ी है, स्टैंडिंग लाइन आप घर पे कर भी चुके हो गए। देन नेक्स्ट स्लांटिंग बाय भी कर दी, नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन भी हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद स्लैंटिंग लाइन ऑल्सो वी हैव डन। देन हियर इज द शेप्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस शेप्स इन द पेज नंबर 11। ओके, you have to draw this one triangle, trace the lines and make the triangle with scale, is the using of the scale. Okay, then color the triangle, next square, next one is the square. You have to trace the lines and draw the square and after you have to color it. आपको लाइन ट्रेस करके स्क्वायर कंप्लीट करना है और उसके बाद उसमें कलर करने हैं। देन नेक्स्ट इज द रेक्टेंगल, यू हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल। आपको ऐसे ट्रेस करके लाइन बनानी है और हमें रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, फिर उसमें आपको कलर करने। फिर ये है कर्व, आपको कर्व की पूरी बुक कंप्लीट करनी है, पूरा पेज भर के कर्व भी करने होंगे। फिर ये वेव से, वेव्स भी ट्रेस करके पूरे से जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आपको पेंसिल की हेल्प लेके वेव्स कंप्लीट करने हैं। फिर हमारा आएगा वन, ओ एनी वन। वन यानी कि एक, ऐसे करके जैसे हम स्टैंडिंग लाइन करते हैं वैसे हमें वन करना है। वन सन, एक सन, वन मून यानी कि वन मून वन ही होता है, वन अर्थ वन ही होता है, वन हमारा हेड यानी वो वन होता है, हमारा नोज भी वन होता है, यानी कि कोई एक चीज़ को बताने के लिए हम वन बोलते हैं। वो वन हमें आज मैं आपको कैसे लिखना है वो सिखा दूँ। यू नो हाउ टू ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन, आपको मालूम है कि स्टैंडिंग लाइन कैसे बनानी है, यानी कि स्टैंडिंग लाइन यानी कि हमारा वन। आपको पेज नंबर 19 पे पूरा वन कंप्लीट करना है, ऐसे पूरा वन। और ध्यान रखना है कि वन हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वन को सीधी लाइन से बनाना है। ऐसे स्टैंडिंग लाइन सीधी लाइन से पूरा वन आपको कंप्लीट करके बताना है। वन यानी कि एक, जैसे आपका भाई कोई एक होता है, बहन कोई एक होती है, आपका कंपास बॉक्स एक ही होता है आपके पास, तो आप उसको एक यानी कि वन बोल सकते हो। और वन को कैसे लिखा जाता है, पेरेंट्स को घर पे बच्चों को ऐसी फोर बॉक्स वाली नोटबुक देनी है और बॉक्स वाली नोटबुक में आपको वन बॉक्स में ऐसे वन, एक बॉक्स छोड़ के वहाँ पे वन, दूसरी बॉक्स छोड़ के वन, देन बॉक्स छोड़ के वन, एक एक बॉक्स लीव करके वहाँ पे बच्चों को वन करके देना है। ऊपर नीचे आजू बाजू एक बॉक्स छोड़ना है, यानी कि ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये बॉक्स छुड़वा देना है। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे डॉट करके देना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ डॉट करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे डॉट, यहाँ नहीं करना है, फिर यहाँ पे डॉट करना है, यहाँ पे नहीं करना है, फिर यहाँ पे डॉट करना है, यहाँ पे नहीं करोगे, यहाँ पे डॉट करोगे, यहाँ नहीं और यहाँ पे करोगे। यानी कि बच्चे एक एक लाइन छोड़ के, एक एक बॉक्स छोड़ के वन लिखना सीखेंगे। फिर उनको स्टैंडिंग लाइन से वन, फिर से स्टैंडिंग लाइन से अगेन वन, जैसे अगेन वन, बच्चों को लाइन से बाहर ना जाए वो ध्यान रखवाना है, ऐसे वन और ऐसे वन। फिर ये भी ध्यान रहे कि पूरे पेज में वन लिखवाना है। आप वन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चित्र, वन बॉल भी ड्रॉ कर सकते हो, ओ एनी वन, वन कैट भी ड्रॉ कर सकते हो और उसमें वन, ओ एनी वन, यानी कि बच्चों के आप ऑब्जेक्ट दिखा के, कोई भी ऑब्जेक्ट बना के बच्चों को सिखा सकते हो। और पूरे पेज में ये वन पेज कंप्लीट करवाना है और ऐसे ही आपको वन वन ऐसे बच्चों को बुलवा के पूरा पेज वन भरवाना है। और होमवर्क में भी उनको 5 पेजेस वन लिखवाने
है। हाउ मेनी टाइम्स? फाइव टाइम्स वन लिखना है। वन वन बच्चे बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उनको ऐसा है ना कि बाहर निकल जाता है डॉट से, तो आप क्या करोगे, बॉक्स से बाहर एक ऊपर बॉक्स में लाइन और नीचे बॉक्स में लाइन, एक ऐसे ऊपर लाइन नीचे लाइन, और ऐसे करके आप बच्चों को ऐसे वन ऐसे वन ऐसे सिखा सकते हो। ऐसे करके ऐसे स्टैंडिंग लाइन में वन, लाइन के बॉक्स के बाहर जाना चाहिए नहीं, ऐसा करके बच्चों को वन की प्रैक्टिस देनी है। और फाइव पेज होमवर्क, हाउ मैनी पेज? फाइव पेजेस उनको होमवर्क देना है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टू की प्रैक्टिस दूंगी और अगेन हम आगे और पढ़ेंगे।